साथ हमें चार पांच मेन लोगों का नाम मिला जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिन अभी आपने डीआईजी से जिस प्रेम सुख नाम के शख्स का जिक्र सुना वो ये है। आप अपनी स्क्रीन पर जिस घायल को देख रहे हैं ये भोपाल ड्रग केस का दूसरा आरोपी प्रेम सुख पाटीदार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद के पैर में गोली मारी और वो पुलिस को थाने के पास मिला। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है। ये प्रेमसुख पाटीदार व्यक्ति का नाम है जो कि जो है एनसीबी एवं अन एजेंसी के केस में वांछित था, जिसकी सूचना मंदसौर पुलिस को दी गई थी। इस व्यक्ति को उसकी एनसीबी और अन एजेंसी के चूंकि वांछित था तो उसको तलाश कर रही थी मंदसौर पुलिस। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन एजेंसियों की पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इसे पूछताछ करके इसके साथीदारानों के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है मंदसौर पुलिस उसके संबंध में की जाएगी। थाना परिसर में इसने गोली मारकर थाना परिसर में ही ये गोली लगा हुआ मिला। आपको बता दें कि भोपाल के बगरौदा में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने 1814 करोड़ की ड्रग बरामद की थी। इस केस में एक आरोपी हरीश आंजना पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपी ने खुद को गोली मारी या फिर किसी और ने, जो ये नहीं चाहता था कि वो पुलिस के हत्थे चढ़े। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।